हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अगली क्लास। इससे पहले मैंने आपको समय का मापन बताया था और उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वही बताया था। इसके बाद मैंने आपको कल भार वाला बताया था कि हमें किसी भी चीज़ को काउंटिंग करना हो तो कैसे करते हैं। मैंने आपको किलोग्राम बताया था, उसके बाद ग्राम में बताया था, उसके बाद जो भी यूनिट होती थी उसमें जितनी भी यूनिट थी मैंने आपको सारी बताई थी ताकि आप उससे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर सको। मैंने आपको वो भी बताया था कि यदि आपके पास मीटर था आप किलोमीटर में कैसे जाओगे, किलोमीटर था हेक्टामीटर किलोग्राम में कैसे जाओगे, सॉरी किलोग्राम था तो उससे कैसे जाओगे वो भी बता दिया था मैंने आपको, ग्राम वाला बता दिया था। और इसके बाद जो बने थे मैंने आपको उनकी जोड़ना बताया था, घटाना भी बताया था। और मैंने आपको बताया था कि यदि 1000 ग्राम हो जाता है तो उसे हम किलोग्राम बना के आगे कैसे लाते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। और इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन अगली जो है हमारी यूनिट वो पढ़ लेते हैं। आप सोच रहे हो कि थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि उसमें सारे टाइप बताना ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो सिर्फ एक बार लिख के आपको 2 क्वेश्चन करवा दूँ, फिर आप एग्ज़ाम में जाओगे और सोच में पड़ जाओगे। उससे अच्छा है कि आप यदि यहाँ पे पढ़ते हो, मैं एक चीज़ को 4 बार रिवाइज करवाता हूँ, एक चीज़ को 4 बार रिवाइज करवाता हूँ तो समझ लीजिए वो आपको 100% याद रहेगा, बजाय आप यदि एक बार पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए 4 बार रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं पिछली क्लास भी हर बार रिवाइज करवाता हूँ कि इस बार क्या किया था और इस बार क्या करेंगे। इस बार आते हैं हम लंबाई से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे। कहने का मतलब है लंबाई की जितनी भी यूनिट होती है वो पढ़ेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जो भी यूनिट होती है वो यूनिट में ही काउंट होती है। कहने का मतलब यदि मान लीजिए मैं यहाँ किसी भी दूरी को यदि मीटर में काउंट करता हूँ तो सारी दूरियाँ जो होगी वो मीटर में काउंट होगी। कहने का मतलब यदि मेरा आंसर मुझे मीटर में चाहिए और मेरे पास यदि मान लीजिए कोई डेका मीटर हो जाए, हेक्टा मीटर हो जाए, तो मुझे इसमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं उसी के लिए मैं आपको आज बताऊँगा। तो आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ मिलीमीटर पढ़ा है और इससे पहले क्या था, मिलीग्राम। तो सबसे छोटी यूनिट उसमें कौन सी थी, मिलीग्राम। यहाँ पे कौन सी होगी, मिलीमीटर। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए सिर्फ पिछली बार और इस बार में केवल मीटर मीटर चेंज है, ठीक है, और क्या है उसमें ग्राम है। तो कहने का मतलब यदि आप एक ही बार में सब याद कर लेते हो तो उसमें कुछ नहीं, आपको थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़ेगा और एक ही बार में आपका आंसर तैयार हो जाएगा और आपको यूनिट चेंज करना आ जाएगी। चलिए तो आप प्रैक्टिस पे आते हैं, पहले हम इसकी काउंटिंग करते हैं उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। आपका क्वेश्चन है 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। जो सेंटीमीटर आप स्केल पर नापते हो वो वाला सेंटीमीटर जिसका हम उपयोग भी करते हैं बहुत सी जगह, सारी जगह। और 10 सेंटीमीटर बना के बनाता है 1 डेसीमीटर, कौन सा, 1 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर जब मिलते हैं तो बनता है 1 मीटर। मीटर जिसमें हम अपनी कोई भी सड़क वगैरह नापते हैं तो वो मीटर में होती है, 100 मीटर, 150 मीटर। लेकिन जो बड़ी काउंटिंग होती है वो किलोमीटर में होती है, लेकिन छोटी यूनिट कौन सी होती है, मीटर। 10 मीटर मिलके 1 डेकामीटर बनाते हैं और 10 डेकामीटर मिलके 1 हेक्टामीटर बनाते हैं और उसके बाद 10 हेक्टामीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं। अब जब पिछले वाले वीडियो में आप जाओगे देखोगे आप यहाँ मीटर की जगह ग्राम था, यहाँ डेकाग्राम था, या यहाँ पे हेक्टाग्राम या किलोग्राम। तो कहने का मतलब है चीज़ें वही चल रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि वो डिफरेंस हम समझ लेते हैं तो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्योंकि दिक्कत ये होती है कुछ लोग रटने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी बजाय हमें समझना है ताकि हमारा वो कुछ ईजी हो जाए। 10 हेक्टामीटर 1 किलोमीटर हो जाता है। और आपको पता है कि हमारी सबसे बड़ी यूनिट है तो हम किलोमीटर में काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना हो तो आप बोलते हैं मैं 50 किलोमीटर दूर है, यहाँ से कोई भी दूरी 60 किलोमीटर दूर है, तो हमारी सबसे बड़ी यूनिट हो जाती है किलोमीटर और सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर। और आपने कभी सुना होगा हम मील का इस्तेमाल करते हैं, वो इसे अब तो इसका इस्तेमाल कम होता है लेकिन पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो 1 मील में कितनी दूरी होती है, 1.61 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 1 मील में जो होती है 1 किलोमीटर और 610 मीटर के करीबन दूरी होती है, ठीक है। और उसके बाद एक छोटी यूनिट और बनती है, वो भी हम यदि याद रखें तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। 1 इंच जो होता है आपका, 1 इंच जिससे आप नापते हो तो आता होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर। इंच बड़ा होता है सेंटीमीटर, ये आप ध्यान रखना। और 1 मीटर में कितना, 3.2528 फुट होता है, फुट जैसे आप कभी भी नापते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारा सेंटीमीटर का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं छोटी यूनिट नापने के लिए, उससे और बड़ी हो जाए तो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा आखिरी में किसका इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर का। तो अब हमें इसमें रिलेशन समझेंगे कि हमें किसी चीज़ को चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है या फिर डेसीमीटर में चेंज करना है, तो मैं एक ही बार में उन सबका आपको रिलेशन बता दूंगा। एक कुछ लोग तरीका लगाते हैं कि 1 किलोमीटर हो गया तो यहाँ 10, यहाँ पे भी 100 का, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 100 हो जाएगा, फिर यहाँ 100 हो गया तो यहाँ पे भी 100 बनाओ। तो उसकी बजाय मैं आपको एक ईजी चीज़ बताता हूँ जो मैंने पिछली बार भी रिपीट की थी, इस बार भी बताता हूँ। सबसे बड़ा मेरा हो गया किलोमीटर, ठीक है, बड़ी यूनिट तो मेरी ये हो गई।
उसके बाद में उससे छोटी यूनिट कौन सी मुझे होगी मेरी, हेक्टामीटर। मैं पूरा नहीं लिखूंगा तो आप समझ जाना, हेक्टामीटर। उसके बाद मेरा कौन सा हो जाता है, डेगामीटर, ये मेरा, ठीक है। उससे छोटी यूनिट कौन सी हो जाएगी मेरी, मीटर। कौन सी हो जाएगी मेरी, मीटर। उससे छोटी यूनिट कौन सी हो जाएगी मेरी, डेसीमीटर। कौन सा, डेसीमीटर। और आखिरी में मेरा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर हो गया। अब मान लीजिए मैं एक किलोमीटर को कंपेरिजन करता हूँ सभी से, एक किलोमीटर लेके चलेंगे उसको कंपेरिजन करेंगे। मेरा हो गया एक किलोमीटर, कितना, एक किलोमीटर। अब आपको पता है एक किलोमीटर पर कितना हेक्टामीटर होता है, 10। तो ये मैंने लिख दिया 10, ठीक है। अब 10 हेक्टामीटर बराबर कितना होता है, एक हेक्टामीटर बराबर कितना होता है, 10 डेकामीटर। तो 10 बराबर कितना होगा, 100। आपको ये समझ में आ रहा ना, जैसे कि मान लीजिए एक किलोमीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हेक्टामीटर। और आपको पता है एक हेक्टामीटर कितना होता है, 10। तो 10 हेक्टामीटर कितना होगा, 100। सीधा तो अपना एक ही तो चीज़ है, ये तो समझना है। तो आप जब भी पढ़ो तो आपको इस तरह से याद होना चाहिए, बड़ी यूनिट किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, ये आपका डेसीमीटर, और आखिरी में आपका सेंटीमीटर। इस तरह से यदि आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से रिलेशन बनाने में देर नहीं, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये आपका 1, 10। अब एक डेकामीटर बराबर कितना होता है, 10। तो 100 बराबर कितना होगा, 1000। बस बिल्कुल आसान है आपके सामने। और ये आपका डेसीमीटर कितना हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, डेसीमीटर में 1 और 0 बढ़ा दीजिए, और सेंटीमीटर में वो का वही 1 0 बढ़ा दीजिए, हो गया मेरा 5, ठीक है। अब आया समझ में, कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइन से लिख के 1 0 बढ़ा दिया, ये अपना हो गया। एक किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, 10। एक किलोमीटर में कितना डेकामीटर होते हैं, 100। एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। और एक किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10000। और एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 2। अब बस काउंटिंग कीजिए, 1 लाख। कितना ईजी था, बस समझना है वो। आप रटने वाली पद्धति पे मत जाओ कि मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी हो गया। अब यदि मान लीजिए मुझे मीटर, किसका, मुझे मीटर और सेंटीमीटर का कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो मेरा पहली यूनिट कौन सी होती है, मीटर। उसके बाद में मेरी छोटी कौन सी हो गई, डेसीमीटर। उसके बाद मेरा कौन सा आता है, सेंटीमीटर। अब आप देखिए मीटर कितना है, 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है, 10। ये यहाँ पे मैं इसलिए इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, 10। और 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 बराबर कितना होगा, 100। ये आपका कंपेरिजन समझ में आया यहाँ पे, बिल्कुल इजी। और यदि आपको मान लो आपको मीटर और सेंटीमीटर कंपेरिजन करना है तो अपने को कितना 1 मीटर चाहिए, तो 1 2 3 0 हटाएंगे, 1 2 3 0 हटाएंगे, आ गया 100। कितना इजी है। आपको मान लीजिए डेकामीटर को डेसीमीटर में कंपेरिजन करना है तो आपको देखना है कि 1 डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है। तो जो अपने को 1 बनाना है तो 2 0 हटानी पड़ेगी, तो 2 0 यहाँ पे बैठ जाएगी, ये 100 हो गया। और 1 डेकामीटर बराबर आपको सेंटीमीटर बनाना है तो 2 0 हटाइए, 1 2, कितना हो गया, 1000। बहुत ही इजी है, बिल्कुल मैंने आपको इतना इजी करके बता दिया, इस चीज़ को आप कभी भूलोगे नहीं। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो यूनिट बनी है सारी यूनिट मिलीमीटर्स, उससे बड़ा सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, ये आप सिर्फ याद रख लेना। आप यदि इसमें याद रखते हो तो आपका ग्राम में भी एक ही काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक ही बार में अपना सारा काम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि आपका यदि क्वेश्चन, तो एक तो ये बन गया आपको ये कि किलोमीटर को कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, डेसीमीटर, ये आपका एक हो गया, यहीं से आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो देखते हैं, वो किस टाइप का होता है, वो कैसे करना है आपको। अब यदि मान लिया आपको दे दे कि मीटर, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, ये अब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा। अब आप ध्यान लगाइए, पहले मीटर और किलोमीटर को कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। पहले अपने मीटर और किलोमीटर की यूनिट को कंपेरिजन करेंगे, तो अपना मीटर कितना होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा ये मीटर वाली यूनिट है और ये किलोमीटर वाली यूनिट है। अब मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का रूल कहता है कि यदि यहाँ पर 0 हटाना है तो वो 0 इसके नीचे चले जाएंगे। अपना मैथ्स का रूल ये कहता है अपने को इसको 1 बनाना है तो अपने उसके नीचे ले जाएंगे। आपने अपने मैथ्स का रूल पढ़ा होंगे जो बोर्डमास होता है, तो उसी के तरीके से मैं यदि 0 हटाऊंगा तो मेरा 0 कहाँ चला जाएगा, नीचे। कितने जाएंगे, 1 2 3। तो 1 तो पहले से रहता ही हर एक के नीचे, ये तो अपने को पता ही है, 2 और 3 हो गया मेरा, हो गया 3। अब मुझे 0 भी हटाना है, या तो एग्जाम में एक ऑप्शन तो ये हो गया, एग्जाम में ये ऑप्शन भी देता है ना, तो भी आपका ये ऑप्शन सही है।
यदि मान लीजिए वो पॉइंट में देता है, तो आपको पता है कि जब भी किसी भी संख्या में जीरो वाली जो संख्या होती है, जैसे 100, 2, 100, 1000, 10000, इनका भाग देना होता है, तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है उतने पॉइंट लगाते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने। तो 1, 2, 3, कितना जीरो है मेरे पास, 3, मुझे 3 अंक छोड़ के लगाना है, तो 1, 2 या 3 अंक छोड़ के मेरा पॉइंट हो गया। तो आपका कितना होगा, 1 मीटर = 0.001 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको रिपीट करवाया है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। आप बस एक बार रिलेशन बनाना सीख लीजिए कि इनमें रिलेशन होता कैसे है। आप सिर्फ एक रिलेशन बनाना सीख गए, उसके बाद 3-4 आपके पास जो भी कोई बुक हो उसको उठाइए, उसमें से क्वेश्चन कीजिए, आप 5 से 6 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट। क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा होता नहीं है कि आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़े, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ें, कुछ याद रखने लायक चीज़ें वो याद रख लीजिए। अब आपका एक और क्वेश्चन रिपीट होते करते हैं। आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है 2 किलोमीटर 7 हेक्टामीटर कितना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप ध्यान रख लीजिएगा, 7 हेक्टामीटर हो गया, और ये 5 डेकामीटर है, कितना, 5 डेकामीटर। इसको क्या करना है, आपको मीटर में प्लस करना है, इन सभी को जोड़कर मीटर में लाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं काम की बात पर, आपके पास कितना है डेकामीटर। अब आपको पता है कि 1 डेकामीटर में, या फिर बड़ी यूनिट लेके चलते, चलो मैं पहले किलोमीटर से करवाता हूँ, 2 किलोमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मैंने अभी आपको बताया 1000, तो सीधा मैं इसका 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 2000, आया समझ में। अब इसके बाद चलते हैं हेक्टामीटर, कितना हेक्टामीटर मेरा, 7। और आपको पता है 1 हेक्टामीटर में कितना मीटर होता है, तो ये रहेगा मेरा 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर में 100। तो कहने का मतलब 1 हेक्टामीटर में कितना होता है, 100, तो 7 में कितना होगा, 700। बिल्कुल इजी चीज है। और इसके पास कितना आखिरी में, कितना अपना 5 डेकामीटर। आपको पता है कि 1 डेकामीटर में कितना होता है, 10, तो 5 बार में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 50। सारी यूनिट हो गई मीटर में, ये जो यूनिट है सारी मीटर में हो गई। अब हम इसे काउंट कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप किलोमीटर को हेक्टामीटर में नहीं जोड़ सकते, हमें यूनिट प्लेस सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया, सारे मीटर में आ गए, अब हम ये आसानी से जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका, 2750 मीटर। यूनिट याद रखिएगा, एग्जामिनर यदि 2750 मीटर देता है तो ये ऑप्शन सही है, और एग्जामिनर बोल दे 2750 डेकामीटर तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पे किलोमीटर होगा तो भी गलत होगा, यहाँ पे कोई सी भी यूनिट दे दो, डेसीमीटर कोई सी भी, तो वो गलत होगी। सही यूनिट जिस यूनिट में हम काउंट करते हैं वह यूनिट पीछे आनी चाहिए। अब एक ऑप्शन तो ये हो गया, इस टाइप का ऑप्शन गलत होगा। अब बताता हूँ यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं, थोड़ा लेवल है इसे ध्यान से बताना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पिछले टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए उससे थोड़ा लेवल बढ़ जाए, तो इसलिए आपको एक टाइप का क्वेश्चन कराना जरूरी है। अब यदि वो बोल दे कि इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिए, आपको पता है कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो यूनिट होती है उसका भाग देते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो हम इसमें सीधा 1000 का भाग दे देंगे, तो इसकी यूनिट कहीं बदल जाएगी किलोमीटर में। अब इसकी जो यूनिट है वो कहीं में आ गई किलोमीटर में, कितना, 1, 2, 3, तो 1 तो ये गया, 2 बचे, तो 2.75 किलोमीटर। इस टाइप का आंसर होगा। आपके कितने आंसर हो गए, 1 किलोमीटर वाला, मीटर वाला, और यदि आपको बोल दे कि आप हेक्टामीटर में निकालिए, तो आपका हेक्टामीटर भी निकाल सकते हो। हेक्टामीटर में कितने जीरो चाहिए, कितने मीटर होते हैं, बस 2, तो 2 जीरो हटाइए, यहाँ हो जाएगा 27.5। यूनिट सारी बता दी मैंने, तो बस अपने को ध्यान लगाना है और देखना है कि कौन सी कहाँ से बनी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लिखूंगा ताकि 1-2 प्रैक्टिस और आपकी हो जाए। ये तो मैंने आपको बताया मीटर का प्लस करना सिखा दिया, ठीक है। अब किलोमीटर को प्लस करना है तो वो कैसे करते हैं, उसके मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 डेसीमीटर + 4 सेंटीमीटर को जोड़े, और अपने को क्या करना है, उसकी यूनिट लाना है मीटर में। अब मैंने आपको बताया कि उन मीटर में कैसे चेंज करते हैं। अब एक चीज़ और जो सीखने लायक है, यदि आप चाहो तो देख लीजिएगा।
मेरे को क्या करना है कि 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 मिलीमीटर चाहिए, कितना 1 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर के बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे पता है आपको 1 0 है तो वो 0 इसके बटे में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। तो कहने का मतलब है 1 मिलीमीटर बराबर कितना बना, 10 सेंटीमीटर, यहाँ समझ में आया। तो अब मैं इसे थोड़ा और चेंज करूँगा तो आपको पता है कि नीचे 10 तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, दोनों रख सकते हो आप, ये भी और ये भी। और यदि इसी तरह से मैं आगे आता हूँ और सेंटीमीटर से यहाँ चेंज करता हूँ तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ 10 हो जाएगा तो एक सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/10 डेसीमीटर। और यदि मैं 1 मिलीमीटर को 1 डेसीमीटर में चेंज करूँगा तो आपने पता है कि हम उधर 1 1 0 बढ़ा रहे थे तो इधर नीचे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे नीचे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो 2 0 हटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0001, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब मैं वही कंपेरिजन वहाँ पे करके बताऊँगा, फिर अपने देखते हैं करना क्या है, पहले यूनिट चेंज कराता हूँ उसके बाद में। तो अब मुझे किसका कंपेरिजन करना है, मीटर और डेसीमीटर का, कितना मीटर और डेसीमीटर का, ठीक है। 1 डेसीमीटर, अब मैं 1 मीटर लेता हूँ, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 डेसीमीटर, कितना 10। और अब यहाँ देखिए कि मुझे डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरा डेसीमीटर मतलब 1 लाना है मेरे को यहाँ पे, तो मैं 0 हटाऊँगा, क्या करूँगा 0, तो इसके नीचे आ जाएगा 10, तो कितना बन जाएगा 0.1 बराबर 1, ठीक है, इतना समझ में आया। यदि इतना नहीं आता है तो अपने उसको 1/10 रख देते हैं, 1/10 ही रहने दो, दोनों करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक तो हो गया ये, अब अपने को कितना चाहिए 5 डेसीमीटर, तो 5 का इधर भी मल्टीप्लाई 5 का इधर भी, तो 5 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 0.5 कितना 0.5 मीटर। आपका यहाँ तक तो ये बन गया। अब एक तरीका हुआ कि 1/10 मीटर बराबर कितना हो गया 1 डेसीमीटर, अपने कितने 5 डेसीमीटर चाहिए, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा तो कितना हो जाएगा 5/10, दोनों तरीके हो गए। आप चाहो जो कर सकते हो, आपको जो उचित लगे वो कर सकते हो। अब करते हैं कंपेरिजन मिलीमीटर का, मुझे मीटर और किसका कंपेरिजन करना है, मिलीलीटर का, मिलीमीटर का कंपेरिजन करना है, ठीक है। अब यहां देखिए आप, 1 मीटर बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, अपने को कौन सी यूनिट चाहिए मिलीमीटर की, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर पर कितना 1000, तो मेरा 1 मीटर बराबर कितना हो गया 1000। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए आप चाहो थोड़ा रिवाइंड करके पीछे देख लीजिएगा। अब मुझे 1 मिलीमीटर की वैल्यू चाहिए, तो मेरे कितने जो 3 0 है वो इसके नीचे आ जाएंगे, तो मेरा 1 मिलीमीटर पर कितना हो जाएगा 1/ में कितने आ जाएंगे 3 0, और मैं 3 0 हटाऊँगा, या तो आप तीन दोनों करके बता देता हूँ मैं आपको, 3 0 हटाएं या फिर नहीं हटाएं वो आपके ऊपर है। अब 4 मिलीमीटर, तो 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे भी 4। अब चाहे तो मैं 0 हटाना चाहूँ तो 1 2 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया मेरा 1 2 3। तो कहने का मतलब है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना आया 0.01, और 4 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर आया 0.004, ठीक है, और 5 डेसीमीटर बराबर कितना आया, या तो 5/10 लिखे या 0.5 लिखे, दोनों उचित है, आप चाहो जिस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, इससे आगे देखते हैं कुछ और। अब अपना ये पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी आपको समझ में आ गया, अब चलते हैं काम की बात पे, अपना क्वेश्चन जो है वो करते हैं। मैं आपको हर एक में रिलेशन बता दिया, अब मीटर बराबर कितना हो गया था, तो 5 बराबर कितना होगा, कितना मीटर होगा 0.5 मीटर, और 4 मिलीमीटर बराबर कितना हो रहा था अपना 0.04। बस अपने को इसको जोड़ना है, तो आपको पता है पॉइंट में जोड़ना तो आता है ना, कि जो पॉइंट जोड़ना हो घटने के बाद एक पॉइंट में हो तो जो जहाँ है वहाँ लिख दीजिए, पर याद रहे पॉइंट के शुरुआत हमें पॉइंट से करनी है। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 0.04, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये कितना हो रहा था, 0.5 हो रहा था, ठीक, सिर्फ 0.5 ही था, क्योंकि हम जब भी इसका कंपेरिजन करेंगे तो कितना बना था, यहाँ मैंने आपको बताया था अभी, ये इसके बटे में आएगा कितना हो जाएगा 10, बस, तो अपने को 5 ही निकालना था, तो कितना, एक तो बना था 5/10, और अपना कितना बनेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0.5।
जब भी पॉइंट में जोड़ने या घटाने की बात होती है तो याद रखिएगा, पॉइंट को एक लाइन में लिखे, उसके बाद जो आगे उसको आगे, जो पीछे है पीछे, पर उसका एक नियमित क्रम के अनुसार लिखे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो, मेरा पॉइंट में जोड़ना तो आपका आता ही होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 0.504, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये जो यूनिट आई है ये सिर्फ मीटर में आई है, कहीं में मीटर में, अपनों ने इसको मीटर में चेंज किया है। यदि मान लो 5.504 मिलीमीटर हो तो आपका गलत होगा, सिर्फ यूनिट सही क्या होगी, मीटर। डेसीमीटर होगा तो भी गलत होगा अगर ऐसा हो तो, ठीक है, क्योंकि जो यूनिट होती है वो यूनिट ही लिखते हैं हम। कहने का मतलब यदि मुझे किसी चीज को काउंट करना है, यदि मैं उसे किलोग्राम में काउंट कर रहा हूँ तो मुझे सभी किलोग्राम में बनाना पड़ेगा, और यदि मैं किसी भी चीज़ को मीटर में काउंट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो भी वस्तु है उन्हें सबको मैं मीटर में ही काउंट करूँगा। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पाँच एक मीटर प्लस एक किलोमीटर को जोड़ूंगा तो सीधा दो लिख दूंगा, ये मेरा गलत हो जाता है। मुझे जोड़ने के लिए यूनिट प्लेस सेम करना पड़ा। कहने का मतलब या तो मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करूं या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करूं, दोनों का यूनिट सेम होगा तो ही हम जोड़ पाएंगे। ये बस एक बार नोट कर लेना आप, कॉपी की हेडिंग पे लिख लेना आप कि यूनिट सेम होगा तब भी जोड़ पाएंगे। ये सभी जगह होगा, आपकी लंबाई में भी होगा, आपके भार में भी होगा, आयतन में भी होगा और समय में भी होगा, इसलिए ये चीज नोट करने लायक है। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आपके पास में है कि एक किलोमीटर, दो हेक्टामीटर और तीन मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिए। अब इन सबको जोड़ना है काय में, किलोमीटर में। अब आपको पता है कि एक किलोमीटर की मेरी यूनिट किलोमीटर है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं बात पर, आपके पास कितना है, दो हेक्टामीटर, कितना है, दो हेक्टामीटर। अब मैंने आपको बताया है कि अब मैं इसको हेक्टामीटर को सीधे किलोमीटर में तो जोड़ नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आते हैं ये वाली, मैंने आपको बताया कि आप कैसे भी करके याद कीजिए। अब आप सोचिए कि एक किलोमीटर, किलोमीटर बराबर कितना होता है, 10 हेक्टामीटर। यहाँ से चीज समझ में आई, तो मुझे एक हेक्टामीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक लाना है। तो मैं ये जीरो हटा के यहाँ पे पॉइंट में 10 चला जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि यदि ऐसा होता है और ऐसा हो तो यदि मुझे जीरो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे ये जी हाँ चला जाएगा जीरो। आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो भागित में चला जाता है, और मैं उसे आगे सोल्व करूँगा कितना हो जाएगा 0.1, क्योंकि ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा जीरो का भाग दूंगा तो एक हेक्टामीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/10। 2/10, या तो आप 2/10 को जोड़ोगे तो आगे अपने को प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब है कि यदि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो पहले एक बात, ये बात हमेशा माइंड में रखना, मैथ्स का रूल ये कहता है कि यदि आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो हर एक जो नंबर होता है उसे इस तरह से सेट करें कि अपने को आगे जब भी अपन कैलकुलेशन करें तो वो नंबर वहाँ पर प्रॉब्लम ना दे, सीधा सोल्व हो जाए। तो यदि मैं इनको जोड़ूंगा तो आपको पता है कि मैं 1 किलोमीटर प्लस 2/10 को जोड़ूंगा तो ये मेरे लिए क्या आएगी, एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। तो मैं क्यों ना इसको सीधा पॉइंट बना दूं यहाँ पे, तो मेरा कितना हो जाएगा 0.2। तो इसको मैं आराम से जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को। अब हेक्टामीटर काम हो गया, अब अपना कितना है मीटर। अब आते हैं मीटर की बात पे, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। अब अपने किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। अब मुझे यहाँ पे ये जो मीटर है इसको कितना, एक बनाना है, तो वो जीरो जो हो जाएंगे, 1, 2 और 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो अब ये तो 1000/1000 लिखोगे तो उसको सोल्व करने में अपने को प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लिया, सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000, क्योंकि अपने को इसने इस मीटर की यूनिट को मैंने किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो अब ये मीटर की यूनिट तो खत्म, मेरी कौन सी यूनिट आ गई, मेरी किलोमीटर वाली। तो 3/1000, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि मैं इसे ऐसे सोल्व कर लूँ ताकि आगे मेरे को प्रॉब्लम ना आए। तो 0.003 हो गया मेरा, 1, 2, 3 पॉइंट, 3 जीरो हट गए। तो अब आप देखिए आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये यूनिट हो गई किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर हो गया और ये भी किलोमीटर हो गया। अब मैं आसानी से इनको जोड़ सकता हूँ। अब आपको पता है कि जोड़ना कैसे, वो आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो मेरा कितना हो गया, 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो पॉइंट होता है उसे पॉइंट हो गया, 1 बड़ा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.2। उसके बाद में वापस ये पॉइंट 0 आगे हम लगा ही देंगे, कितना, 1, 2 और 3।
अब इसे जोड़ना मेरे लिए कितना इजी है, बिल्कुल इजी हो गया। तो कहने का मतलब ये जो सारी यूनिट है ना, एक किलोमीटर में हो गई। मैंने 2 हेक्टामीटर को 0.2 किलोमीटर में चेंज कर दिया, मैंने 3 मीटर को 0.003 किलोमीटर में चेंज कर दिया है। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 3, 0, 2 और 1, और ये पॉइंट यहाँ का यहाँ, ठीक है। तो अब मेरा किलोमीटर में कितना बन गया है, 1.203 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो यूनिट है अब ये किलोमीटर में होगा। अब आप ध्यान रखिएगा, एक तो एक ऑप्शन ये हो गया, आइए कहीं एग्जामिनर ऑप्शन दे दे कि 0.3 मीटर, तो ऐसा नहीं हो कि आप जोड़ के देख के मीटर देख के लगा, तो ये गलत होगा। सही क्या होगा, किलोमीटर, यूनिट हमेशा ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल आपके लिए मैं यहीं पे करवा देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन एक समझना कि यदि मान ले जाए आपको किलोमीटर की पूछ ले एग्जाम में कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, एक तो एग्जामिनर का क्वेश्चन ही हो गया, तो आपको बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थोड़े लेवल के क्वेश्चन पे। अब यदि एग्जामिनर पूछ ले कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो अब आपको काउंटिंग करना है। ये तो आपका पूरा सेम, 1 किलोमीटर पर कितना हो गया 10 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर बराबर 100 डेकामीटर, 100 बराबर 1000, और 1000 बराबर कितना हो जाएगा 10000, और 10000 बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख। तो कहने का मतलब 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। रिलेशन ऐसे ही बनाना है, इन्हीं का रिलेशन बनेगा, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो आपका एक तो ये हो गया, और एक चीज और समझते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना, 1 डेसीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि डेसीमीटर और किलोमीटर में संबंध बताना है। तो अब पहले एक तरीका तो वो, या तो आप नीचे पॉइंट लगाते जाओ, या फिर एक तरीका वो कि 1 किलोमीटर का रिलेशन इससे बनाते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है वो निकाल लेता हूँ। तो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर, और 10 हेक्टामीटर बराबर 100 डेकामीटर, और 100 डेकामीटर बराबर 1000 मीटर, और 1000 मीटर बराबर 10000 डेसीमीटर, कितना 10000 डेसीमीटर। अब मेरे को क्या चाहिए कि किलोमीटर में नहीं, मेरे को यूनिट 1 डेसीमीटर चाहिए, और मेरे पास कितना आ गया है 10000। तो आपको पता है कि जीरो हटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी जीरो नीचे चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो नीचे हो गया, बराबर कितना हो गया मेरा 1 डेसीमीटर, आ गई मेरी 1 डेसीमीटर की यूनिट की, 1 डेसीमीटर की वैल्यू आ गई। या तो एग्जाम में ये पूछा रहेगा, या फिर पॉइंट में पूछे, तो आपको पता है कि पॉइंट कैसे हटाते हैं, जितने पॉइंट है उतने ऊपर, जितने जीरो हटाने उतने ऊपर पॉइंट, कितने हटाने, 1, 2, 3, 4, 1 तो ये स्वयं 1 हो गया, 2, 3, 4, और ये पॉइंट हो गया मेरा, ये यूनिट हो गई किलोमीटर। तो कहने का मतलब एक ऑप्शन तो ये हो गया मेरा 0.001 किलोमीटर, और एक हो क्या, कौन सा हो गया मेरा, ये वाला, यहाँ से चेंज किया यहाँ आए तो एक ये, ठीक है। दोनों ऑप्शन एग्जाम में पूछे तो दोनों सही है, यदि आपको जो पूछे वो वाला लगाना है, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा, ठीक है। तो आज के लिए आपके वीडियो में मैंने आपको एक एक करके बताऊँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं चाहूँ तो साथ में एक ही वीडियो में सारे करवा सकता हूँ, लेकिन आपको फिर क्या है कि उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको करना क्या है और किस तरह से क्वेश्चन करना है। और मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए, अब इनमें रिलेशन बनाना आपको सीखना पड़ेगा, कि जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिलेशन बनाते, कैसे पॉइंट लगाना है, मैंने आपको शुरू में जो पहले वाला विधि थी उसमें आराम से बताया। तो आपको क्वेश्चन करना है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे।